मुझे ना बड़ा मिसगाइड किया गया है। मुझे कई बार लगता है कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। मुझे किसी ने बोला कि यार शेफ आज ना हम वो बनाएंगे वो कुरकुरे मोमो। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैं कहा यार ये तो नई सी एकदम सी कोई चीज़ लग रही है। बाद में मैंने देखा कि 2019 से ट्रेंडिंग चल रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि 3 साल तो मैं पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और ज़िंदगी को कैच करने की दौड़ में एक बढ़िया सी रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी मुझे अच्छी लगी, अपने तरीके से उसे घुमा के बनाता हूँ। ठीक है जी, कुरकुरे मोमो। कॉलिंग एंड एक्शन। तो बेसिक साइंस जो है वो ये है कि मोमो में एक फिलिंग होती है, एक कोटिंग होती है और एक डिप होती है। ठीक है ना, उसके बाद आप उसको स्टीम कर ले, फ्राई कर ले, तंदूरी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो आपके हाथ में। तो फंडा वही है, एक फिलिंग है, एक कोटिंग है, कोटिंग के ऊपर फिर एक क्रिप्सी वाली कोटिंग और है, और साथ में एक डिप है। और एक इंटरेस्टिंग डिप बनाएंगे, एकदम चीजी मोमो डिप बनाएंगे। हैं, एकदम बांध लिया है अब मैंने, एकदम ट्रेंडिंग हो गया हूँ मैं भी। तो भाई सबसे पहले बना लेते हैं डो। ठीक है, डो के लिए मैदा, 4 भाग मैदा और लगभग 1 भाग आटा। ठीक है जी, सिरका जो है, सिरके में एसिड होता है, एसिड प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और बढ़िया से लचीलापन देता है आपके डो को। डो में लचीलापन जो है वो प्रोटीन की वजह से आता है, जिसका नाम होता है ग्लूटन। इसलिए कभी भी डो में लचीलापन चाहिए थोड़ी खटास डाल दीजिए। ठीक है जी, अभी डो जो है वो एकदम नरम मुलायम बनना चाहिए, ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है। ज़्यादा ढीला बनाएंगे तो ढलने के बाद फिर वो बहने लगेगा। अच्छे से धीरे धीरे तसल्ली से लगे रहिए। ठीक है, एक बार डो बंद गया फिर मैदा अपना काम खुद कर लेगा। ये जो तक्केशाही है ना, ये तो मैं सारे नो रटा देनी है। कुकिंग वैसे भी धक्केशाही का काम नहीं है, एक बार डो बन गया तो फिर लकड़ी पे ले आते हैं उसको। ये नीचे थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि ग्लूटेन डेवलप हो जाए। ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी ज़िंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। मैदे के जितने स्टार्चेज हैं उनको हाइड्रोलाइज होने का, यानी कि पानी के साथ घुलने का वक्त लगेगा। जब वो पानी में घुलेंगे तो एक चिकनापन आएगा उनके अंदर, एक स्मूथनेस आएगी। धीरे धीरे ग्लूटन को डेवलप होने के लिए वक्त लगेगा। पानी और वक्त, ये जो है मैदे को ढलने में मदद करता है, उसकी वजह से ही मैदे का टेक्सचर आता है। अगर बारीक काटना नहीं है सब कद्दूकस कर लीजिए साहब, नहीं तो घुमक्कड़ है ना अपना घुमक्कड़, वो घर्र घर्र करता है, जो रबर बैंड लगा होता है इसके आगे, वो रस्सी से खींचते हैं या नीचे ब्लेड होते हैं, वो घुमक्कड़ यूज़ कर लीजिए। तो भैया देखिए, कटिंग चॉपिंग के बगैर गुजारा है नहीं, तो मिक्सी, फूड प्रोसेसर, ग्रेटर वेटर यूज़ कर लीजिएगा। मेरे को लग रहा है आज मोहल्ले के बन गए मोमोज। गाजर का मेरा थोड़ा रिश्ता ऐसे ही है, मेरे को मुंह में डालनी होती है। अब ये सब्जी जो है पानी छोड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, नमक लगा के छोड़ देते हैं, बाद में पानी निचोड़ लेंगे। हरा प्याज भी डाल सकते हैं चॉप, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, जो अपना रेगुलर अमेरिकन कॉर्न आता है वो डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं बॉईल करके। आलू बड़े टेस्टी लगते हैं मोमोज के अंदर, आलू, बॉइल्ड पालक चॉप, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, चीज़ डाल सकते हैं, जो वेज मोमो है ना, स्पेशली अगर कॉर्न डाल रहे हैं आप, कॉर्न के साथ में चीज़ डाल सकते हैं। उबाल करके, चॉप करके मशरूम भी डाल सकते हैं, लेकिन उबाल के डालिएगा, कच्चे मशरूम डालेंगे तो इतना पानी बह जाएगा फिर संभलेगा नहीं। देखो जी, अंडा ग्रेट करके डाल सकते हैं, कच्चा चिकन का मिंस डाल सकते हैं, फिश को चॉप करके डाल सकते हैं, प्रॉन भी डाल सकते हैं। सब बता दिया मैंने, तो आप नहीं कह सकते नहीं बता रहे। मैं इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि थोड़ा पानी छोड़ दे, जैसे पानी छोड़ेगा तो फिर हम निचोड़ लेंगे इसको। इतना भी मतलब नहीं निचोड़ेंगे कि बिल्कुल खून निकाल लेंगे इसका, लेकिन पानी पानी थोड़ा निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पनीर का भी पानी है, फिर अंदर पानी पानी ज़्यादा हो जाएगा, फट जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। स्पेशली जब हम कुछ फ्राई करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप फ्राई करना चाहते हैं तेल में जाएगा, फटने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जितना पानी आप यहाँ निकाल लेंगे उतने सूखी रहेंगे। सब बता दिया मैंने, अब कुछ नहीं है बताने वाला। हमने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया था आइस क्यूब मोमोज का, ऐसा नहीं है इतने बुरे नहीं है हम, आइस क्यूब मोमोज। अगर आपने देखा नहीं देखिए, यूट्यूब पर बड़ा ट्रेंडिंग हो गया था वीडियो, मिलियन व्यूज़ हो गए उसके। आइस क्यूब ट्रे में मोमोज कैसे बनाएं, एक साथ स्टीम करें, एक साथ खाएं, एक साथ 20 मोमो, बूम,
मेरा क्या है ना कि मेरे को शेप बनाने में बोरियत होती है, हैं, तो इसलिए मैं ऐसी रेसिपी ढूंढता हूँ जिसमें शेप ना बनानी पड़े, लेके ऐसे धीरे धीरे लगे रहो। तो जैसे ये वाली भी रेसिपी है, इसमें कोई शेप की टेंशन नहीं है, जिसको गोला बनाना आ गया उसने बना लिया, तो अंदर की बात वो है। अगर किसी ने बोला ना कि ऑथेंटिक नहीं है तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। कुरकुरे मोमो ऑथेंटिक है, हैं ना, अभी पहली बार सुना मैंने। तो जब रेसिपी ऑथेंटिक नहीं है तो उसको तो गरीब को अपना ट्विस्ट दे लेने, तो थोड़ा सा मेयोनेज वेयोनेज डाल के चीज़ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन पनीर डाल रहे ना तो उससे हो जाएगा काम। मेयोनेज से क्या ना एक रिचनेस आ जाती है, मेयोनेज में ऑयल होता है ना, तो उससे रिचनेस आ जाती है। मेयोनेज पनीर से रिचनेस आ जाएगी, सब्जियों से आ जाएगा टेक्स्चर, मतलब वो माउथ फील जिसको मैं बोलता हूँ, और साथ में सेजवान से आ जाएगी किक। तो हर इंग्रेडिएंट अपना काम जो है वो कर रहा है, हम बस सबको मिला रहे हैं ताकि हैंडशेक हो जाए सब में। जुड़े हुए हैं ना आप अभी तक साथ में, ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है आपकी, आसान करनी है आसान। शेफगिरी करने की उम्र गई, अब यारी दोस्ती करने की उम्र है। ब्यूटीफुल, ये लो जी, ये हो गई फीलिंग रेडी, क्लियर हो गया। आप तो सब कुछ नहीं छुपाया मैंने, जहाँ भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। धनिया है ये, लास्ट में ना थोड़ा धनिया डालेंगे, फ्रेशनेस आ जाएगी बस, और लालच सा आ गया मेरे को, और लालच अगर धनिये की बारी में आए तो अच्छी बला है। जिंदगी में भले बुरी बला हो लालच, इन धनिये के मामले में अच्छी बला है। अभी अपना डो लेके आते हैं, ये फ्राइड डो, ये जो रेस्टिंग के लिए डाला हुआ था ना, तब में और अब में फ़र्क देखिए, ये बस क्लास हो गया एकदम। अब इस डो के बना लेते हैं मोमो। देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसके छोटे 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 पेड़े काट लें और उसके बाद बना लें, या फिर सीधा एक बड़ी सी शीट बेल लें और ऊपर से कटोरी से काट के बना लें, जैसे आपकी श्रद्धा आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस है। अब लिया सूखा मैदा, बेलने की कर ली तैयारी। कायदे से जो मोमो का रोलिंग पिन होता है वो ऐसा बेलन जैसा नहीं होता है, लेकिन घर पे आपके पास बेलन होगा, मैं यहाँ पे शो ऑफ करूँ वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए बेलन के साथ ही दिखा देता हूँ। जो मोमो का रोलिंग पिन होता है उसमें हैंडल नहीं होता है, ऐसे लंबी सी डंडी होती है। ये लचीलापन देखिए क्यों आया, एक तो विनेगर की वजह से और दूसरा रेस्टिंग की वजह से। देखो जी, अगर बोरियत हो रही है ना, तो फिर एक लंबी सी शीट काट लो और बस कटोरी से उसके छोटे 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 टुकड़े कर लो, अगर आप बोर हो रहे हो तो, नहीं हो रहे तो लगे रहो। और टेढ़ा मेढ़ा अगर मान लीजिए हो रहा है, गोल नहीं हो रहा है, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, वो भी हम बाद में काट सकते हैं ना, बस लगे रहिए, गिव अप नहीं करना। आपको भी मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं खुद को भी दे रहा हूँ, लगे रहो रणवीर। बस शेप दी, एक्स्ट्रा जो डो है उसकी चोंच काट दी, ट्रिम कर दिया उसको, कैंचे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे रणवीर की तरह हाथ में ही लगे रहना। जैसे ये लिया, ऐसे फैंसी वाली कैंची नहीं, रेगुलर कैंचे भी यूज़ कर सकते हैं, ये लेके ये लीजिए। और बताइए, और आसान कर दिया आपका काम, सिंपल ईजी, नो रॉकेट साइंस। अब तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, देखिए पतले के पतले हैं मोमोज, शॉर्टकट का शॉर्टकट है। अब जी यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा मैदा घोल रखा है, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ढेर सारी लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा गरम मसाला। कुरकुरे मतलब एकदम कुरकुरे चटकारा तो होना चाहिए ना, फिर परफेक्ट, ये एकदम स्पाइसी लिजाम बना लिया। अरे नमक नहीं है, या नमक, और नमक के साथ में दो चार बूंद सिरका। अब जो है बैटर में भी चटकारा आ गया है कि नहीं, चटकारा सब तरफ से आना चाहिए, डन हो गया। ठीक है जी, ये है कॉर्नफ्लेक्स, इसको मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, या जैसे मैं थोड़ी पहलवानी कर रहा हूँ वो पहलवानी भी कर सकते हैं आप, जैसी आपकी श्रद्धा हो।
क्रश कर लीजिएगा, बस पाउडर नहीं बनाना, क्रश करना है। और अगर कॉर्नफ्लेक नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर कुरकुरे मोमोज हम नहीं बनाएंगे। घर पे पोहा पड़ा होगा, पोहा, पोहे को हल्का सा मिक्सी में घुमा लीजिए। ब्रेड क्रम होगा, ब्रेड क्रम ले लीजिए। अगर ब्रेड क्रम भी नहीं है तो दालमोठ होगा, है ना, दालमोठ को मिक्सी में घुमा लीजिए। इससे ज़्यादा तो अभी कोई बहाना आप नहीं दे सकते। अब इतना किया है तो इसके अंदर भी चटकारा थोड़ा डाल ही देते हैं ना फिर, है ना। अब लेना है पहले मोमो, इसको ऐसे ऐसे डुबो लेना है, ठीक है। डुबोने के बाद डाल देना है इस गंभीर मामले में, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। उसके बाद ये जो बन के निकलेगा बम, इसको रख लीजिए साइड में। बस यही है मोनोपोली, बम बनाते जाएं और बाद में फ्राई करते जाएं, सिंपल इजी। अब तो कुछ मतलब ये तो कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, इससे ज़्यादा तो सिंपल नहीं कर सकता था मैं लाइफ किसी की भी। ये रहा बम नंबर 3, ये है बम नंबर 4। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पकड़ रहा है तो एक ऐसे सेकंड लेयर वापस लगा दीजिए, ठीक है जी। ना कोई शेप बनाने का झंझट, ना ये टेंशन कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस वाला फार्मूला है ये। या ईशान जैसे बोलता है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस एक डिप बना रहा हूँ मैं, बड़ी मज़ेदार सी है, हाँ? हरी मिर्च, धनिया, प्याज, चीज़ और मेयोनेज। जब किसी भी चीज़ को फ्राई करना है कुरकुरा, तो फिर मज़े जो हैं वो पूरे लेने चाहिए डिप के साथ, हैं? ये लो जी, ये हो गई हमारी चटनी रेडी, फ्राई मोमो की चटनी। देखिए क्या मज़े की बनी। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्रम लगाया है ना, है ये क्रम लगा के थोड़ी देर छोड़ना है। क्यों? कॉर्नफ्लेक्स जो है वो लिजाम को पकड़ेगा, उसको वक्त लगता है, इसलिए क्रम लगा के उसको कम से कम 5 मिनट छोड़ दें। एक तो अपनी शेप पकड़ लेगा और दूसरा वो जो आपको खिला खिला टेक्स्चर चाहिए वो आ जाएगा, ठीक। चलो जी, करें प्लेटिंग। भाई दिखने में तो पूरे एकदम फुल ऑन कुरकुरे लग रहे हैं ये। अब उसके बाद हमारा प्रिय मित्र धनिया। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और अब मैं पहली बार जिंदगी में 3 साल बाद उस ट्रेंड को ट्राई करने जा रहा हूँ अपने तरीके से। ये निचोड़ा नींबू, ये लिया प्रभु का नाम। देखो कुरकुरेपन के तो पूरे पैसे हैं, और जो मोनोपोली है ना वो है अंदर की फिलिंग का टेक्सचर, कि इसको भी यूट्यूब स्टाइल में बेचना पड़ेगा। तो सुनिए, माइक के पास जाते हैं, यूट्यूब में ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए इससे कुरकुरे मोमो आपने खाए नहीं होंगे। देखिए मकसद ये है कि आप मेरी तरह 3 साल वेट मत कीजिएगा, आइटम अच्छा बना लीजिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो पोहा डाला है ना हमने, इसकी वजह से स्पार्कली हो रहा है ना बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद, वो हमारी दी हुई मोनोपोली। पर आप बोल दीजिएगा आपका सिग्नेचर है, हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़े आजकल सब्सक्राइबर गिर गए, कहा जा रहा है हमको, स्लो हो गया सब्सक्रिप्शन, संभाल लीजिए।